हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं अबाउट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। उन्होंने 4 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं जस्ट रिसेंटली, जेनिथ, विटा, अल्टूरा प्लस और अल्टूरा। एकदम ग्रीक गॉड के नाम, ग्रीक के नाम दिए हुए हैं। तो मैं जस्ट रिसर्च कर रहा था, मैं बोला इनके नाम के मतलब तो एक बार पता कर लेते। तो जेनिथ मतलब सदी का, वो टाइम का सबसे टॉप, वो है जेनिथ। मतलब अगर ये जेनिथ क्रेडिट कार्ड बता रहा है तो ये अपने इरा का सबसे टॉप क्रेडिट कार्ड। ओके, दूसरा विटा। विटा मतलब पीक, कोई भी माउंटेन का टॉप जो रहता है पीक, उसको विटा बोलते हैं। और अल्टूरा, अल्टूरा मतलब एक टॉप पॉइंट, हाई पॉइंट, जैसे हम महाबलेश्वर में टेबल टॉप जिधर जाते हैं उसको हाई पॉइंट, तो वो अल्टूरा। और अल्टूरा प्लस, यही दोनों ने अल्टूरा और अल्टूरा प्लस में थोड़ा खेला हुआ है। आज दोस्तों मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ उनका जो टॉप कार्ड है जेनिथ, उसके बारे में आपको मैं बात करने वाला हूँ। थोड़ा पहले ही मैं कंक्लूजन दे देता हूँ, मुझे अगर ये कार्ड लेना हो तो मैं ये कार्ड नहीं लूँगा। आप लोग सोचेंगे कि ये क्या हमेशा नेगेटिव बात करता है, बट मैं नेगेटिव बात नहीं करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। ये कार्ड जेनिथ जो इन्होंने निकाला, ये 8,000 रुपया एनुअल फीस के ऊपर निकाला हुआ है। ओके, प्लस GST। अब 8,000 रुपया पर ईयर, इससे अच्छा कार्ड मैं SBI इलाइट लूँगा। ओके, जो 5,000 रुपया पर ईयर है, और SBI इलाइट में ये सारे फीचर्स है जो ये AU बैंक वाला दे रहा है, प्लस मूवी का फीचर और एडिशनल है। और SBI जो है ये बहुत सारी ऑफर्स देता है। तो मेरा अगर ओपिनियन है तो मैं SBI इलाइट लूँगा। दूसरा, 8,000 का जो उन्होंने प्राइस पॉइंट रखा है, खाली साल का 2,000 रुपया और दूंगा मैं, 2,000 रुपया, तो मेरे को सुपर प्रीमियम कार्ड्स इसमें ओपन अप हो जाते हैं, जैसे कि ओरम हो गया, इन्फिनिया हो गया, MX रिजर्व हो गया। ओके, जिसका मैंने अलग से एक 10,000 के कौन से कार्ड्स 10,000 पर इसमें ईयर में एनुअल फीस में अवेलेबल है, उसका एक अलग से वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देता हूँ। बट ये 8,000 का क्रेडिट कार्ड जो है ये नहीं अच्छा है। एक्चुअली इन्होंने अगर लॉन्च करना चाहिए था, और इनकी जो मैंने फीचर्स वगैरह देखी है इसके हिसाब से, ये कार्ड की एक्चुअली एनुअल फ़ीस 500 रुपया होनी चाहिए। अगर ये 500 रुपये में दे रहे हैं तो फिर मैं इसके बारे में 101% सोचूंगा। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, चलिए वन बाय वन मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने इसकी एनुअल फ़ीस के बारे में बात कर ली है आपके साथ, वो है 8,000 रुपया प्लस GST। बट अगर आप एक साल में 125,000, एक साल नहीं, फर्स्ट ईयर में अगर आप 125,000 रुपया स्पेंड करते हैं तो ये एनुअल फ़ीस वेवर हो जाती है। ओके, बट एज सच जनरली हर एक कार्ड में जॉइनिंग बेनिफिट रहता है, जॉइनिंग बोनस रहता है, वो इसमें मतलब जो जॉइनिंग बोनस रहता है वो एक्चुअली जो एनुअल फीस रहती है ना उतना रहता है, या तो फिर उससे ज़्यादा रहता है थोड़ा। बट ये केस में ऐसा कुछ है नहीं, इनकी भी जो जॉइनिंग बोनस ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जो भी फीचर्स है वो छोटे मोटे है। ओके, तो पहले तो मैंने आपको 8,000 रुपया पर ईयर की फ़ीस बताई, 125,000 अगर आप स्पेंड करेंगे तो आपका वो फ़ीस वेवर हो जाएगा पहले साल के लिए। और अगर आपको उसके आगे नेक्स्ट ईयर में अगर आपको वो फ़ीस वेवर चाहिए तो आपको 5,00,000 रुपये का स्पेंडिंग करना है प्रीवियस ईयर में। इसका मतलब अगर आपको ये साल और नेक्स्ट ईयर की फ़ीस वेवर करनी है तो आपको ये साल 5,00,000 रुपया स्पेंड करना है। अगर आप 125,000 ही करेंगे तो ये साल की फ़ीस वेवर होगी, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस वेवर नहीं होगी। तो ये एक थोड़ा ट्रिकी है। ओके, हाँ, तीसरे साल में अगर मुझे चाहिए फीस वेवर तो मुझे दूसरे साल में 5,00,000 रुपये की स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। बट पहले साल में भी आपको 5,00,000 की स्पेंडिंग करेंगी तो ये साल और नेक्स्ट ईयर आपको फ्री मिलेगा। जब आप आपका पहला ट्रांजैक्शन करते हैं, ओके, कोई भी पॉइंट ऑफ सेल पे, तो आपको 1,000 रुपये का वाउचर मिलेगा। जब आप 5 ट्रांजैक्शन करते हैं, ओके,
तो आपको Zomato Pro की मेंबरशिप मिलेगी। और दोस्तों ये भी जो मैंने आपको स्पेंडिंग बोली ना 1,25,000 5 लाख फीस वेवर के लिए, उसको भी आपको एक्चुअली रिटेल स्पेंड्स में गिना जाएगा। तो इसमें आपका एक्चुअली सारा स्पेंड्स आ जाता है, बट आपका जो लोन है वो काउंट नहीं रहेगा, या फिर आप अगर कभी कैश निकाल रहे तो वो काउंट नहीं आएगा, या फिर आप EMI के थ्रू भर रहे तो वो काउंट नहीं होगा। तो ठीक है, मतलब कोई इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। इसकी जो वाउचर्स है ना दोस्तों, जो इसके वाउचर्स मिलते हैं, वो वाउचर्स आपको कैश में रिडीम होने नहीं वाले हैं। इसको आपको उनके जो ऑप्शंस है, वो बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें आप उसको रिडीम कर सकते हैं। और एक पॉइंट आपका इसमें 25 पैसे तक का आपको इसमें वैल्यू मिल जाता है। कोई भी वाउचर, मैंने इसके सारे वाउचर्स देख लिए, कोई भी वाउचर उठा लीजिए, 25 पैसे का इसमें इन्होंने आपको बेनिफिट दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप इसमें 1,00,000 रुपया स्पेंड करेंगे तो आपको 10,000 पॉइंट्स इसमें मिलेंगे। इसमें दोस्तों एक्सेलरेटेड पॉइंट्स का भी फीचर है, तो 5 पॉइंट मिलता है अगर आप 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करेंगे ऑन अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन। अगर आप ग्रोसरीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स में करते तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आप डाइनिंग या स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स करते हैं तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। इसका मतलब ये एक्चुअली 2x और 4x पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, जो SBI Elite में भी कुछ सिमिलर ही है। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसके डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस की। तो लाउंज एक्सेस में भी इन्होंने इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस में आपको उन्होंने दो लाउंज एक्सेस दिए हुए हैं, और डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस में इन्होंने आपको 4 लाउंज एक्सेस दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, ये लोग बोलते हैं कि इनकी एक डेडिकेटेड कॉन्सियर्ज सर्विस है फॉर जेनिथ कार्ड, तो बात सही है, मतलब अच्छी रहेगी। और फिर इसमें इंश्योरेंस वगैरह भी है, तो अगर आपका बैगेज लॉस हो जाता है, अगर आपका कार्ड गुम जाता है, तो आपको उसकी ज़ीरो लायबिलिटी कॉस्ट हो जाती है। आपको 2 करोड़ रुपए का एयर एक्सीडेंट का इंश्योरेंस मिलता है, जो मेरे हिसाब से कुछ काम का नहीं है। ओके, तो मोटा मोटी दोस्तों ये कार्ड में बस इतना ही फीचर्स है, इससे कोई ज़्यादा फीचर ये कार्ड में है नहीं। और फिर मुझे यही पूछना है कि तुमने ये सारे फीचर्स में 8,000 रुपया का फीस क्यों रखा हुआ है। सादा आप अगर कॉरल क्रेडिट कार्ड या कॉरल डेबिट कार्ड या कोई भी मतलब 500 रुपये वाला भी कार्ड ले लेंगे तो भी इसमें ये सारे फीचर्स 101% आते हैं। रेलवे लाउंज एक्सेस दिया हुआ है दोस्तों दो, वो भी कुछ सिटीज़ में ही अभी अवेलेबल है। तो इन ऑल बहुत ही बेसिक कार्ड है इनका। जेनिथ जो है, जो टॉप मोस्ट कार्ड मैंने पकड़ा, वो भी इतना बेसिक है। हो सकता है जो छोटे कार्ड्स है 200-500 रुपये के, वो शायद बेटर हो, उसके भी रिव्यूज़ आगे मैं करूँगा। बट मेरे हिसाब से जेनिथ कार्ड अगर मुझे पूछेंगे तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मार्केट में ये प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स है जिसमें आप एक्चुअली वैल्यू मिल सकता है, एक्चुअली आप वैल्यू कमा सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।